गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे इस चैनल पे। इस वक्त मैं नाहरलगन के रेलवे स्टेशन पे हूँ। ये है शताब्दी ट्रेन, शताब्दी एक्सप्रेस। यहाँ से मैं गुवाहाटी की तरफ रवाना करूँगा। कितने सालों के बाद फिर से ट्रेन पे आया हूँ। हाय, सबको उधर खेलते हैं। कॉलेज के दिन याद आ गए। यहाँ से मैं गुवाहाटी जाऊँगा, गुवाहाटी से कोलकाता, फिर कोलकाता से मैं बैंकॉक जाऊँगा। गुवाहाटी एयरपोर्ट से मैं कोलकाता आ गया। दिसंबर 1 तारीख से सीधा फ्लाइट होगा होलोंगी एयरपोर्ट, दोनी पोलो एयरपोर्ट से सीधा कोलकाता तक। आप यहाँ पे फ्लाइट के शेड्यूल चेक कर सकते हैं। और ये इमिग्रेशन पे देखिए कितनी लंबी लाइन खड़ी है। फाइनली मैं फ्लाइट पे आ गया। थाई एयर एशिया, थाईलैंड के किसी एक्टर का जन्मदिन है शायद। इस वक्त सुबह के 3 बजे हैं और देखिए बैंकॉक ऊपर से कितना सुंदर लग रहा है। वाह, लगभग 5 मिनट के बाद लैंडिंग होगी। यहाँ से आपको इमिग्रेशन पे जाना है और वहाँ पे आपको ऑन अराइवल वीज़ा बनाना है। पर मैंने पहले ही ई वीज़ा अप्लाई कर चुका था, इसलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ा। यहाँ लैंड करने के बाद सबसे पहले आपको सिम अप्लाई करना है। 249 baht में मैंने 8 दिन के लिए सिम लिया था, वो 5G सिम था। अब मैं एयरपोर्ट के बाहर आ गया हूँ। यहाँ पे हर 5 मिनट में बस आती है, तो आपको कहाँ जाना है उसके मुताबिक आपको बस लेना है। जैसे हम गए ये A1 टर्मिनल से हम गए बस टर्मिनस, और बस टर्मिनस से फिर हम जाएंगे पटाया। यहाँ से लगभग 3 घंटे की दूरी पे पटाया है, 150 किलोमीटर, लगभग 150 किलोमीटर। मैं बस पे उठ गया हूँ। यहाँ से मैं जाऊँगा बस टर्मिनल, ये है बस टर्मिनल बैंकॉक का, और फिर यहाँ से मैं बस पकड़ के पटाया जाऊँगा। आखिरकार मैं पटाया पहुँच गया हूँ। ये है मेरे होटल, होटल का नाम है कोकोटेल, बहुत सुंदर होटल है। देखिए आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर है, और मुझे इसका बाथरूम और इंटीरियर बहुत सुंदर लगा, बहुत ही नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा। इंडियन करेंसी में देखा जाए तो इस होटल का पर डे चार्ज अराउंड ₹5,500 के आसपास है। इतने पैसे में ये एक बहुत ही अच्छा होटल है मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत ही साफ़ है, सुथरा है, और हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छी है। मैंने आसपास के होटल को भी थोड़ा देखा है कि कंपेयर किया है मैंने, तो काफ़ी अच्छा होटल है ये। आप देखिए अंदर, मैं अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ आपको। देखिए रिसेप्शनिस्ट उस बंदे के साथ बिजी है, फिर भी मुझे देखा और मेरा अभिवादन किया। हॉस्पिटलिटी इनके रग रग में है। मैं पहुँच गया अपने कमरे, ये है मेरा कमरा। अंदर मेरे दो दोस्त हैं। देखिए रूम इस तरह है। एक्चुअली मैं अपने दो दोस्तों के साथ आया, तो हम तीन इसी कमरे पे हम तीन रहेंगे। तो मुझे ऊंचाई से थोड़ा डर लगता है, मैं ज़्यादा बाहर जाऊंगा नहीं। और देखिए बाहर का नज़ारा, नीचे स्विमिंग पूल भी है, पर मैं झुक के देखना नहीं चाहता है। एक ज़रूरी सूचना, यहाँ पे जो होटल है ना, वहाँ पे हमारे जो मोबाइल के चार्जर है वो फिट नहीं होता, तो इसलिए मैंने ऐसा कुछ एक एडाप्टर लिया है जहाँ पे मल्टीप्लग आप लगा सकते हैं। देखिए आपको भी लेना है ऐसे। फिर वहाँ पे एक्सटेंशन कोड लगाया और फिर हमने मिलके वहाँ पे 3-4 मोबाइल फिर चार्ज किए, और ये मेरा गिम्बल है। दोस्तों अब मैं होटल के बाहर आ गया हूँ और आप सबको मैं ले चलता हूँ पटाया बीच की तरफ। वो रहा नीला समुद्र।
ज़िंदगी में मैंने पहली बार नीला समुद्र देखा है। इससे पहले मैं मुंबई गया, मुंबई पे अरब सागर देखा, पर वहाँ का पानी नीला नहीं था। कल मैं अपने दोस्तों के साथ कोरल आइलैंड जाऊँगा। आइलैंड की तो बात ही कुछ और होगी। वहाँ पे पोल्यूशन कम होगा और लोगों की आबादी भी कम होगी। फिलहाल आज पटाया बीच देख लेते हैं। पटाया में गर्मी बहुत है, इसलिए मैंने एक टोपी ले लिया, क्योंकि मेरे गोरे रंग को बचाना पड़ेगा। मेरे पीछे जो बोट दिख रही है, कल मैं उस बोट से कोरल आइलैंड जाऊंगा अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पे एक बोर्ड है, देखिए, कोहलान। कोहलान वही है कोरल आइलैंड। वहाँ पे आप उस पेरी के जरिए भी जा सकते हैं। उधर एक स्पीड बोट आ रही है, मुझे एक बार जाना है। कल जेम्स बॉन्ड की मूवी में देखा करता था इस तरह के बोट, कल मुझे जाना है।